हम लोग स्टार्ट करते हैं अबाउट द मेन्यू। मेन्यू होता क्या है और इसका हमें क्या बेनिफिट्स हैं, किस तरह से हम इसको वर्डप्रेस के अंदर जो वो लाएंगे, और कौन कौन से पेजेस हमें या पोस्ट या कैटेगरीज जो वो लानी है, कौन सी नहीं लानी है, उसके बारे में बात करें। कुछ मेन्यूज ऑलरेडी कुछ वेबसाइट्स के मैं आपको दिखाता भी हूँ कि हम लोग इस तरह से भी डिज़ाइन कर सकते हैं अगर हम चाहें, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो वो मेन्यू को देखते हैं कि मेन्यू होता क्या है, ठीक है। तो मैं एक वेबसाइट पे चला जाता हूँ और यहाँ पे जाके फॉर एग्जांपल मैं इल्म की दुनिया .com जो है इसको विजिट करता हूँ, ठीक है। बहुत सारी जितनी भी आपकी वेबसाइट्स हैं उसमें मेन्यू एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अब मेन्यू के जरिए आप कैटेगरीज वगैरह को या अहम चीज़ें जो हैं उनको अपने कस्टमर के सामने जो वो रखते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इस मेन्यू में वी हैव द होम, वी हैव न्यूज, कॉलेजेस, कोर्सेज, एडमिशन, स्टडी, पास पेपर्स, डेट शीट, रिजल्ट्स, स्कॉलरशिप्स, स्टडी अब्रॉड, फाइंड जॉब्स, टेस्ट प्रेपरेशन, ऑनलाइन टेस्ट एंड ट्यूटर्स मोर, ये सारा कुछ जो है वो हमारे पास अवेलेबल है। लेकिन इस मेन्यू में एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर मैं इसको 100% पे करता हूँ, यानी 100% से मुराद ये कि ब्राउज़र की जो लुक है अगर मैं इसको 100% रखता हूँ, तो आप यहाँ पे देखेंगे हमेशा हर वेबसाइट में जो मेन्यू होगा वो सिंगल लाइन मेन्यू होगा, डबल लाइन नहीं होगा, ये सिंगल लाइन मेन्यू, यानी एक ही लाइन में पूरा मेन्यू जो है वो आपके सामने आ रहा है। लेकिन इस मेन्यू के आगे सब मेन्यूज हैं, यानी जिस तरह से अगर मैं न्यूज़ पे आता हूँ तो न्यूज़ के अंदर न्यूज़ मेन है, पिक्चर स्टोरीज हैं, इंटरव्यूज हैं, सही है। और इसके नीचे अगर आप देखें फोटोज हैं, वीडियोज हैं, आर्टिकल्स हैं। इसी तरह से अगर मैं कॉलेजेस में चला जाता हूँ, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज हैं, फीचर लिस्टिंग ऑफ कॉलेजेस है, कॉलेज बाय सिटीज है, कॉलेज बाय लेवल्स है, और इस तरह से लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पिशावर, इनके कॉलेजेस आगे हैं, सही है। यानी आप मेन्यूज के सब मेन्यूज बनाते हैं और आपकी कोशिश होती है कि थ्रू मेन्यूज आप मैक्सिमम सर्विसेज, मैक्सिमम पेजेस या मैक्सिमम जो पोस्ट कैटेगरीज हैं वो अपने यूजर को विजिट करवा सकें, ठीक हो गया। अब यहाँ अगर आप इन मेन्यूज को देखेंगे तो मेन्यूज में जिस तरह से हम कोर्सेज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोर्सेज में ये जो मेन्यू है ये टू कॉलम मेन्यू है, आप देख सकते हैं कि कॉलम नंबर वन एंड कॉलम नंबर टू, सही हो गया। इस तरह से एडमिशंस को आप देखते हैं कॉलम नंबर वन, कॉलम नंबर टू, थ्री एंड फोर। लेकिन अगर आप इसमें देखें तो एडमिशन एंड मेरिट लिस्ट, ये दो बड़े सेक्शंस हैं और उनके नीचे फिर कॉलम्स हैं, और उन कॉलम्स के नीचे भी अगर आप देखें तो लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पिशावर को लहदा लहदा किया गया, सही है। तो मेन्यूज जो हैं, मेन्यूज और उनके सब मेन्यूज के डिफरेंट स्टाइल्स हैं। कुछ वेबसाइट्स में आपको कॉलम वाइज मिलेंगे, कुछ में आपको जो है वो मेन्यू का सब मेन्यू और आगे उसके सब मेन्यूज मिलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप चले जाते हैं द्राज डॉट पी के ऊपर, अगर मैं लोकल की बात करता हूँ, द्राज डॉट पी के की बात करता हूँ, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इनका जो मेन्यू है वो साइड पे है, ठीक है। इनका मेन्यू जो है वो लेफ्ट साइड की तरफ है, और यहाँ पे इनका मेन्यू में आप देखेंगे कि मेन्यू के अंदर सब मेन्यूज हैं वो अवेलेबल है, ठीक है। तो मैं इसकी जो 150% से लेके जा रहा हूँ इसको 100% पर, यानी इसकी जो लुक है 100% जो इसका सेटिंग्स है उसके ऊपर क्या आएगी। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो वी हैव द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, सही है जी। अब इसमें जिसके ऊपर भी हम आएंगे, क्योंकि अभी ये लोड कर रहा है, लोड करते ही आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में ये आगे सब मेन्यू की तरफ खुला है। स्मार्टफोन्स, स्मार्टफोन्स के अंदर आप देख सकते हैं एप्पल फोन, नोकिया मोबाइल्स, Xiaomi और Redmi और दिगर आप कह लें कि मोबाइल्स हैं। अब यहाँ ये देखिएगा कि यहाँ दिस इज द मेन मेन्यू, वी हैव सब मेन्यू लेवल वन एंड वी हैव द सेकेंड लेवल लेवल टू। तो मेन्यू में हमेशा आपने याद रखना है कि आपने लेवल थ्री तक नहीं जाना किसी भी सूरत में, लेवल टू आपका मैक्सिमम लेवल है एज ए वेब डेवलपर। क्यों? उसकी वजह यह है कि अगर आप लेवल टू से आगे लेवल थ्री की तरफ जाते हैं तो यूजर अनॉयड हो जाता है, यूजर कहता है कि जी एक बॉक्स उसके अंदर दूसरा बॉक्स, दूसरे के अंदर तीसरा बॉक्स, तीसरे के अंदर चौथा, तो अब जाकर जो है वो चीज मिल रही है। तो लिहाजा आपने मैक्सिमम जो है मैक्सिमम दो सब मेन्यूज, टू सब मेन्यूज और टू यानी टू लेवल, वन लेवल एंड सेकेंड लेवल, सेकेंड लेवल से आगे नहीं जाना आपने, ठीक है। और ये है आपका फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू
राइट, अगर आप इसमें देखें तो हाफ पेज ऑफ योर वेबसाइट इज कवरिंग, हाफ पेज उसका आधा पार्ट जो है ये कवर हो रहा है लेफ्ट से राइट की तरफ। इसी तरह से अगर आप इल्म की दुनिया में चले जाएं, तो अगर मैं इनके मेन्यू में जाता हूँ और इनके आगे सब मेन्यू में जाता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि आपके हाफ पेज के करीब जाके ये एंड हो रहा है। यानी इसका मेन्यू अगर मैं टॉप टू हाइट की तरफ नीचे की तरफ करूँ, तो ये नहीं है कि पिछ पूरे का पूरा पेज इसने कवर कर लिया। यानी मेन्यू की जो मैक्सिमम हाइट है वो आपके आप कह लें कि आपने मिडल ऑफ द पेज तक उसको खत्म करना है। सही है, समझ आ रही बात? यानी अगर मैं यहाँ पे ऑनलाइन स्टडी है, अगर ऑनलाइन स्टडी के नीचे ये सारा ये जो नोटबुक्स वाला भी मैं चाहते तो ये इससे नीचे भी डाल सकते थे, ये इससे नीचे भी डाल सकते थे यहीं पे। लेकिन उससे क्या होना था कि पूरे का पूरा पेज कवर हो जाना था, जो नीचे हमारे पास जो चीजें हैं वो कवर हो जानी थी। तो इस वजह से क्या किया कि भाई इसके नीचे नहीं डालो, एक और सेक्शन बना के ये वाला हिस्सा यूज कर लो। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे मेन्यू में हमने दो चीजें समझी, एक मेन्यू हमारा डबल लाइन नहीं होना चाहिए, सिंगल लाइन होना चाहिए। दूसरी, मेन्यू के जो लेवल्स है मैक्सिमम वो सेकेंड लेवल तक जाना चाहिए। और तीसरी हमने ये सीखी है कि आपका मेन्यू जो है वो हाफ पेज तक खत्म हो जाना चाहिए, उससे ज्यादा आगे आपने उसको लंबा नहीं करना। ठीक है, कि वो आपका एक्चुअल पेज को छुपा दे। अच्छा, अब यहाँ से हम जो है वो आ जाते हैं द्रास की तरफ। तो आप इसमें भी देख सकते हैं दो लेवल्स मैक्सिमम। इसी तरह से अगर आप दुनिया के सबसे बड़ा कॉमर्स का आप कह लें कि जो बादशाह है amazon.com, तो उसको भी अगर आप देखेंगे तो उसका भी सिंगल लाइन मेन्यू आपको मिलेगा। अब यहाँ भी ये देखें gamercave.pk जो है ये IBAT के अंदर भी इस वजह मेरा कोर्स चल रहा है, और ये आप देख सकते हैं कि उन्होंने अपनी जो है अभी इनिशियली उसने बच्चों ने जो डिजाइन करना शुरू किया। ठीक है ना, तो यू कैन आल्सो डिजाइन दीज थिंग्स। तो मतलब आप अपनी वेबसाइट में भी इससे भी ज्यादा क्वालिटी के हवाले से जो वो काम कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं चेक करता हूँ इफ आई एम नॉट, अभी मैं वो लिस्ट निकालता हूँ, उसमें काफी सारे हैं जिन बच्चों ने यहाँ पे प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं। अच्छा जी, अब यहाँ से हम लोग चलते हैं कि जी हमने मेन्यू कैसे बनाना है। सबसे पहले तो हम अपनी वेबसाइट को जो है ज़रा एक दफ़ा विजिट कर लें, ताकि हमारे जहन के अंदर नक्श जो है वो आ जाए कि जी हमारी वेबसाइट की लुक कैसी है। ठीक है ना, फिर उसके बाद जो है हमारा मेन्यू थीम के मुताबिक जो है वो कहाँ पे एडजस्टेड है। और इसमें भी हमने ये भी सीखना है कि हमारे थीम का प्राइमरी मेन्यू क्या है, मेन मेन्यू क्या है, फुटर मेन्यू क्या है। ठीक है, तो ये अकॉर्डिंग टू द थीम मेन्यू जो है ये वेरी कर रहा होता है। अब यहाँ पे आप देखें हमारी जो इस वक्त रिसेंटली जो वेबसाइट के हवाले से जो हमने थीम यूज किया हुआ है, द नेम ऑफ दैट थीम इज कलर मैग। तो कलर मैग में दिस इज ओवर मेन मेन्यू, दिस इज ओवर मेन मेन्यू। अब इसमें हमने ये तो मेन मेन्यू है कि इसके अंदर ऑब्वियसली जब हमने कंटेंट को इम्पोर्ट किया था, डेमो इम्पोर्टर जब हमने रन किया था तो सारा कुछ आ गया था। लेकिन अब इसके अंदर जो वो हमने अपनी चीजें इंक्लूड करनी है, और हमने अपने पेजेस को अपनी कह लें के बनाए हुए पोस्ट को या कैटेगरीज को इसके अंदर लेकर आना है, तो उसको कैसे इंक्लूड करेंगे, ये हमारा मेन मेन्यू है जी। अब यहाँ पे मेन मेन्यू के बाद अगर हम नीचे की तरफ चले जाते हैं तो यहाँ पे फुटर में भी आप ये देखिए, यहाँ पे ये फुटर फुटर में भी आप जो है वो मेन्यू अगर हमें इसने ऑप्शन दी तो वो हम बना सकते हैं। अब कैसे उसको बनाना है उसके हवाले से हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो कलर मैग यहाँ पे हम गए, ठीक है, रनिंग पोजीशन में है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट मैन्यू